नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीसी पर। दिस इज दिव्या, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो यस, आज से आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स करी हैं कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि काफ़ी कुछ हम लोग देखने वाले हैं डेली बेसिस पे क्लासेस में। बाकी एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको अब पहले से कुछ नया नया सा देखने को मिल रहा होगा। मतलब कि स्टूडियो पे पढ़ा रही हूँ और इस चैनल पे ऑलमोस्ट पहली क्लास है मेरी स्टूडियो पे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों का सपोर्ट रहा है हमेशा जब भी आज यहाँ तक जर्नी पहुँची है। ओके, सो जैसा कि आप लोग जानते ही हो, 1000 पजल की एक बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है। होप आप लोगों को थंबनेल पसंद आया हो। तो अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो IBPS हो, चाहे वो SBI हो, वो सारे के सारे बैंक एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। विद टाइमर करते हैं हम क्लास को, और आज आपका डे नंबर 153 है। इससे पहले मैंने बहुत क्लासेस करवा दी है, मैं फिर भी एक एवरेज लेके चल रही हूँ कि 152 में अगर मैंने 3 पजल भी करवाई हुई हैं, ठीक है, तो हम लोग 456 पजल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो यार ऑलमोस्ट 500 पजल्स हमारी हो चुकी हैं। तो आज अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आगे आप 1000 पजल तक इस सीरीज को पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आज जो है आपका ये है पजल नंबर 153, सेशन नंबर 153 है। दिस इज़ माई डेली शेड्यूल गाइज। अगर आप लोग कोई भी क्लासेस फॉलो करना चाहते हो, जो भी आपको लग रहा है, आप सारी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस चैनल पे, तो इस चैनल पे आपको 9 बजे भी और मॉर्निंग या आफ्टरनून के टाइम पर भी दो रिकॉर्डेड मिला करेंगी लगातार 1000 पजल की, क्योंकि मुझे SBI से पहले इसमें काफ़ी सारी पजल जो है कंप्लीट करवानी है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, हर हफ्ते अनअकैडमी का एक कॉम्बेट होता है सुबह 10 बजे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 36 क्वेश्चंस रहते हैं, 50 मिनट्स में रहते हैं, ठीक है। तो आप इसको 50 मिनट में फॉलो कर पाओगे। फ्री लाइव टेस्ट है ये, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो। एज अ स्कॉलरशिप आपको अमेजोन का वाउचर या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देखने का मौका मिलता है। आपको करना क्या है, मेरे इनवाइट कोड से इसको एनरोल करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी आप लोग मेरा कोड यूज़ करके इसको एनरोल कर सकते हो, दैट इज़ DBZ Live, ठीक है। चलिए, बाकी अगर डायरेक्टली प्लस लेना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट प्लस भी देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे फीचर्स हैं और सेम यू कैन यूज़ माई कोड। चलो यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे, और आज की पहली पजल आप सभी की स्क्रीन पर है, स्टार्ट कीजिए। अच्छा एक मिनट, मैंने टाइमर नहीं लगाया है, आप लोग तो खैर सॉल्व करो, मैं बस एक मिनट में टाइमर लगाती हूँ।
चलिए गाइस, आई होप कि आप सभी की पजल सॉल्व हो गई हो। बाकी जिसकी नहीं हुई है वो लोग मेरे साथ साथ में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? चलो देखेंगे कैसे होगी। एट अ रीयूनियन पार्टी, एक रीयूनियन पार्टी की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है? तो हमको पता है यहाँ पर एक रीयूनियन पार्टी हो रही है, जिसमें एक राउंड टेबल के अराउंड में ना ये कुछ लोग हैं, कितने 8 फ्रेंड्स हैं। तो हमने यहाँ पर एक 2 सर्कल ड्रॉ किए और इनके 8 लोगों के बैठने की जगह बना ली कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ो, आगे है इंटरेस्टिंगली ऑल 8 फ्रेंड्स परसुइंग बैचलर डिग्री, ठीक है? हर कोई अपनी एक बैचलर डिग्री कर रहे हैं, परसुइंग है। तो अलग अलग क्या है, सब्जेक्ट्स में है। दे आर नॉट सेम ऑर्डर में नहीं है। ए एडजेसेंट टू डी और डी जो है वो इकोनॉमिक्स है। तो हमने लिखा ए डी के बगल में है और डी इकोनॉमिक्स है। आगे बढ़ो, बी हिस्ट्री बट डजंट एडजेसेंट टू सी और डी। हमको पता लग गया बी हिस्ट्री है लेकिन ना तो सी ना ही डी के बगल में है। एफ फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये अच्छी लाइन मिली है यार, क्यों ना ए से कनेक्ट कर ले। बाकी आपको पता है कि सारे के सारे जो है फेसिंग द सेंटर है ना। तो ए के 1 2 3 4 5 एफ आ गया। आगे हमको बोला गया है एफ फिजिक्स स्टडी कर रहा है, फिजिक्स में, ये हमने फिजिक्स ले लिया। आगे बढ़ेंगे, वन हु स्टडी केमिस्ट्री इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अब एफ के इमीडिएट लेफ्ट में ये वाला पर्सन केमिस्ट्री हो गया। आगे बढ़ो, जी अपोजिट टू ए, ए के सामने जी हो गया। नाइदर एच नॉर ई इमीडिएट नेबर ऑफ जी, मतलब जी के बगल में ना तो एच ना ही ई आएगा, दोनों में से कोई नहीं आ सकता। आगे बढ़ो, वन हु स्टडिंग हिंदी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब जी के 1 2 3 4 ये हो गया फिफ्थ आपका हिंदी। आगे बढ़िए, जी लर्निंग सोशियोलॉजी, तो जी का आपको सब्जेक्ट पता लग गया। आगे बढ़ो, आगे दे रखा है हमें सी डजंट केमिस्ट्री, सी के पास में केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है? ई इंग्लिश नेक्स्ट टू वन हिंदी, हिंदी के बगल में ई है, इधर तो आ नहीं सकता, ये आ गया इंग्लिश। अब आपको पता है ए के बगल में डी आएगा, ठीक है? अब यार ऑब्वियस सी बात है इधर नहीं आ सकता क्योंकि डी इकोनॉमिक्स है, तो ये भी हमारा डिसाइड। अब जी ना तो एच के बगल में आएगा ना ही ई के, तो इसका मतलब है कि मतलब जो आपका जी के बगल में ना एच है ना ई है, तो इसका मतलब यहाँ एच और ई आएंगे। अब बी आपका ना तो डी के बगल में आएगा, है ना, ना ही सी के बगल में आएगा, रुक जाओ, बाकी बी हिस्ट्री है तो बी के लिए एक ही जगह बचेगी, ठीक है? अब ये डिसाइड हो गया। अब बी सी डी के बगल में नहीं है, वो वैसे भी नहीं है, बाकी सी आपका केमिस्ट्री नहीं है तो सी डिसाइड हो गया। बचा कौन, केवल और केवल एच बचा, एच डिसाइड हो गया। एक सब्जेक्ट बचा हमारे पास, दैट इज मैथ्स। तो हमने यहाँ पे कंफर्मेशन कर लिया मैथ्स का। आई होप कि सभी का सेम बना हो। बाकी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक सेकेंड मतलब 5-10 सेकेंड वेट कर लेती हूँ। काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं मैम जरा 5 सेकंड हट जाया करो जिससे हम स्क्रीनशॉट ले, हो गया होगा। चलिए पजल नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन।
चलिए गाइस, आई होप कि आप लोगों का सॉल्व हो गया होगा। 3 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। देखिएगा क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर। 8 पर्सन्स हैं, पर्सन्स के नाम लिखे हैं, 4 फ्लोर में है। मतलब 4 फ्लोर से समझ में ही आ गया, ये फ्लैट फ्लोर टाइप की पजल है, क्योंकि पर्सन 8 है, फ्लोर कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 फ्लोर में 2 लोग हो सकते हैं। आगे बढ़ो। 2 फ्लैट है, 1 और 2, 1 वेस्ट में है, 2 के, ये हमने 1 ले लिया, ये हमने 2 ले लिया। आगे बढ़िए। देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन स्मृति एंड विनायक, और दोनों ही सेम यहाँ पे क्या बोला गया है, देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच स्मृति एंड विनायक एंड बोथ लिव ऑन द सेम फ्लैट बट नॉट इवन फ्लैट। बहुत ही बढ़िया यार, स्मृति और विनायक के बीच में 1 है और दोनों ही ऑड पर हैं, तो इसका मतलब यहाँ होंगे, क्योंकि इवन पे ये है नहीं। तो आई होप आपको बड़ा आसानी से समझ में आ गई होगी ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ो। ये थोड़ा सा ब्लर क्यों लग रहा है मुझे, एक मिनट रुको जरा, सही है भाई, बहुत ज़्यादा करीब आ गई मैं। चलो एनीवे, लाइट भी फोकस भी कम रह रहा है अभी, मुझे लग रहा है कि बोर्ड पे फोकस ज़्यादा ना हो जाए। लेट मी चेक, नहीं आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। या सी, चलिए बात करेंगे आगे। कहाँ पहुँची थी गाड़ी हमारी, या आगे है। श्वेता 3 फ्लोर बिलो द पर्सन हु लिव ऑन द टॉप फ्लोर, मतलब टॉप फ्लोर से 3 फ्लोर नीचे, मतलब कि 2 के गैप पर, तो श्वेता डिसाइड, कंफर्म। आगे आ जाओ, आगे बढ़ेंगे। अभी इवन नंबर फ्लोर पर है, इसका मतलब या तो 2 पर या फिर 4 पर, और इसके अलावा फ्लैट भी, तो कंफर्म है 2 पर, तो इन 2 जगह आएगा बस। आगे, लेकिन टॉप फ्लोर पे नहीं है, यहाँ नहीं आएगा, तो ये हमारा अभी हो गया कंफर्म, क्लियर। आगे बढ़ो। आगे आपको बोला जा रहा है हिमांशी इमीडिएटली अबव विनायक, दोनों ही सेम फ्लैट में हैं, तो हिमांशी विनायक के एकदम ऊपर हैं, सेम फ्लैट में हैं दोनों। निधि और विनायक जो है वो टॉप फ्लोर पे नहीं है, ठीक है। आपको ये डिसाइड करना है, ना तो निधि ना ही विनायक सेम फ्लैट पे हो, सॉरी टॉप फ्लोर पे होगा। हिमांशी 2 फ्लोर बिलो प्रिया, और दोनों सेम पर हैं, तो ये बहुत अच्छी लाइन है। आपको पता लगता है कि प्रिया के 2 फ्लोर नीचे हिमांशी है, दोनों ही सेम फ्लैट पर हैं। बाकी आपको इन्होंने एक और बहुत अच्छी लाइन बोली है, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, एक और एक लाइन थी कि हिमांशी के एकदम नीचे विनायक है, तो यार ये तो एक ही जगह आपको दिख रहा है, ये प्रिया, ये हिमांशी और ये विनायक, और कोई जगह ही नहीं हमारे पास में। कौन बचा, श्वेता। अब आपको पता था इसके बाद में स्मृति और विनायक के बीच में कितने हैं, 1 है, दोनों सेम पर है, तो विनायक, और ये है यहाँ पे स्मृति। बाकी यहाँ पे निधि नहीं आएगी, तो ये हो गई निधि। आगे बढ़ो। आगे दे रखा था प्रिया और किरण जो है वो इमिडिएटली अभी वाले के बगल में नहीं है, वो नहीं आ रहे हैं, और ये है बची किरण। डन, क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे आपकी सेकंड पजल डन। बाकी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बात करेंगे पजल नंबर यहाँ पर 3 की। चलो
चलिए, आई होप आप लोगों की पजल सॉल्व हो गई हो। चलो, टाइम ओवर हो चुका है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा आपका। एक पर्सन से हमारे पास में, ठीक है, एक कंपनी में ये एम्प्लॉय है, ठीक है? मतलब आपको ना इनके सारे के सारे पोजीशंस के बारे में बोल दिया जा रहा है कि पोजीशंस आपको अलग अलग दे रखी है। दीज एट पर्सन आर पोस्टेड इन एट डिफरेंट सिटीज, ये अलग अलग सिटी में पोस्ट किए गए हैं। चलो, अब दिमाग में पहले ये लेना है कि भाई क्या लें, बेस क्या लें, ठीक है? सबसे पहली चीज होती है कि यार हमको अगर बेस पता चल गया है तो हम बेस ले सकते हैं। अभी तो यार मुझे कुछ लग ही नहीं रहा, तो हम तो फिर ये सोचेंगे कि हम पर्सन को लेते हैं क्योंकि पर्सन से रिलेटेड चीजें ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तो हमने ये ले लिया ए बी सी डी, लेंगे पी क्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे बोलेंगे इसके बाद में क्या बोला जा रहा है हमको। पहली मतलब कि अपनी नेक्स्ट कंडीशन में देख लेते हैं, जरा पेन चेंज कर लें। चलो, हमको यहाँ पे बोला गया है कि वाई पोस्टेड इन बेंगलोर। ओके, वाई जो है वो बेंगलोर में पोस्टेड है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन, टीम लीडर पोस्टेड इन दिल्ली। अब दिल्ली में कौन पोस्टेड है? टीम लीडर पोस्ट है। आगे बढ़ो, बी सीईओ। ओके, बी के बारे में हमको पता लग गया, वो सीईओ है। आगे, एनालिस्ट आइदर पोस्ट इन हैदराबाद और लखनऊ। मतलब आपको पता लगा कि जो भी एनालिस्ट वाला होगा वो तो हैदराबाद होगा या फिर लखनऊ होगा। आगे बढ़ो, आगे हमको दिया गया द पर्सन पोस्टेड लखनऊ आइदर एनालिस्ट और साइंटिस्ट। ये भी बढ़िया लाइन है हमारे पास, लखनऊ जो है वो तो साइंटिस्ट है या फिर एनालिस्ट है, अभी कुछ नहीं पता है। एग्जीक्यूटिव बीकानेर या कोची, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव है वो या तो बीकानेर में या फिर कोची में पोस्टेड है, अभी आपको कुछ नहीं पता है तो आप कंडीशन लिखोगे केवल। आगे बढ़ो, मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड जोधपुर। ओके, आपको बोला गया है यहाँ पर कि जोधपुर में कौन है, जोधपुर में मेडिकल ऑफिसर है, ठीक है? बाकी आगे बढ़ते हैं, ये बेंगलोर था, ठीक है? पहले हमने सिटी लिखी है, फिर हम प्रोफेशंस लिख रहे हैं इनके या पोजीशंस लिख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे इसके बाद में, आइदर बी और ए जोधपुर में है, या तो ए या फिर बी, दोनों में से कोई एक जोधपुर में है। भाई जोधपुर वाला मेडिकल है ना, तो वो बी तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि जोधपुर वाला कन्फर्म है ए है, जो कि क्या है, मेडिकल एनालिस्ट है। ये हो गया हमारा कैंसिल। आगे बढ़ो, मेडिकल ऑफिसर है ना, हाँ जो भी हो मेडिकल ऑफिसर। सीईओ पोस्टेड लखनऊ और कोची। अब जो सीईओ होगा, ठीक है, वो या तो लखनऊ होगा या फिर कोची होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कंडीशन, पी पोस्टेड मेरठ और हैदराबाद। पी के बारे में पता लग गया, या तो मेरठ में है या फिर हैदराबाद में है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास में आपकी, बोला जाएगा वेयर, कहाँ है हमारे पास, या सी पोस्टेड आइदर दिल्ली और कोची। सी या तो दिल्ली में है या फिर सी कोची में है। आगे बढ़ेंगे, मैनेजर पोस्टेड आइदर मेरठ और बेंगलोर। ठीक है, जो भी कोई मैनेजर होगा, ठीक है, वो या तो बेंगलोर में है या फिर मेरठ में है। वैसे मुझे लग रहा है यार ये लाइन हमको पोजीशन से बनानी चाहिए थी तो भी बन जाती, खैर चलो देखते हैं अभी। एक्स या तो आर्किटेक्ट है या एग्जीक्यूटिव है, तो एक्स पता लगा हमको या तो आर्किटेक्ट है या फिर एग्जीक्यूटिव है। नेक्स्ट है क्यू एनालिस्ट नहीं है, ठीक है, क्यू के बारे में हमको पता लगता है ये एनालिस्ट नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन है जेड जो है वो लखनऊ में पोस्टेड नहीं है, ठीक है, ये लखनऊ में नहीं होगा। आगे, आर्किटेक्ट हैदराबाद में नहीं है, मतलब कि हैदराबाद जो भी होगा वो आपका आर्किटेक्ट नहीं होगा। अब दिमाग में यही आता है कि भाई पजल को सॉल्व कैसे करें, है ना? तो अब थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ी सी यहाँ पे ना पॉसिबिलिटी बनेंगी, क्योंकि बिना पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है? अभी हमने केवल कंडीशंस नोट डाउन करी हैं। अब जब हम पजल को बनाने की शुरुआत करेंगे तो हमारे पास में कैसे पॉसिबिलिटी बनेंगी हमको वो सोचना है। देखो, हमारे पास में ये है कि अगर हम देखें यहाँ पर कि दिल्ली जो है वो आपका क्या है, दिल्ली जो है वो टीम क्या नाम है पूरा,
हाँ टीम लीडर है, इससे कुछ काम हो रहा है क्या? नहीं यार, दिल्ली की कोई 100% कन्फर्मेशन नहीं है, है ना। आगे बात करें एग्जीक्यूटिव के बारे में, एग्जीक्यूटिव बीकानेर कोची है, इससे भी कोई खास फायदा नहीं है। अब यार पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, नहीं दिल्ली वाले से कुछ पॉसिबिलिटी बन जाए तो हमको ये पता है कि दिल्ली वाला जो आपका आएगा, देखो सुनो ध्यान से, आपको बोला गया है लखनऊ वाला या तो साइंटिस्ट होगा या फिर एनालिस्ट होगा, ध्यान से सुनना ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन है। लखनऊ वाला या तो आपका साइंटिस्ट होगा या फिर डेफिनेटली आपका एनालिस्ट होगा। तो आप खुद सोचो, क्या लखनऊ सीईओ हो सकता है? सॉरी मैंने कोलकाता कैंसिल कर दिया, लखनऊ सीईओ हो सकता है? नेवर भाई, नेवर एवर। तो इसका मतलब जो भी आपका सीईओ होगा वो क्या था यहाँ पे सीईओ, एक मिनट मैंने पूरा नहीं लिखा है, सीईओ कोची, ओके। तो आपको पता लग गया कि सीईओ जो है वो कोची है, आया समझ में? आई होप समझ में आया होगा, इम्पॉर्टेंट लाइन थी भाई, ये आपको समझना जरूरी भी था ठीक है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हुई है तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। देखो अब हमारी ये वाली लाइन डन, इसको मैं रफ कर देती हूँ, आई होप सभी को क्लियर हो। अब हमारे पास में ये हम पहले से कंफर्म कर चुके हैं, इसको भी हटा दीजिए, चलो आगे बढ़ो। कोची हो गया डिसाइड, अब यहाँ पे क्या था, सी या तो दिल्ली है या कोची है। भाई सी कंफर्म हो गया, कोची तो हो चुका है, अगर कोची हो चुका है तो इसका मतलब है सी डेफिनेटली दिल्ली होगा। मैं आशा करती हूँ कि सभी को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हमको पता लग गया जैसे ही सी दिल्ली हुआ तो दिल्ली वाला तो टीम लीडर था ठीक है, तो हमारा ये भी डिसाइड हो गया। अब आपको पता है लखनऊ वाला, अभी रुक जाएंगे, अब रुक जाओ आगे बढ़ो। अब हमको क्या पता है इसके बाद में कि ये जो था, ये वाला पी वाला जो भी पर्सन था, ये या तो मेरठ है या फिर हैदराबाद है ठीक है। अब मेरठ और हैदराबाद से कनेक्ट करें तो अभी तो चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही हैं, बाकी एग्जीक्यूटिव भी कनेक्ट नहीं कर रहा है, ओके ये एनालिस्ट नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ चलो ये देखते हैं, आपको बोला गया है एक्स या तो आर्किटेक्ट है या फिर एग्जीक्यूटिव है ठीक है। अभी बात करें हम लोग, इससे भी कोई खास फायदा नहीं होगा। और देखें, हाँ देखो एक लाइन हमको मिल गई कि एनालिस्ट जो होना था वो लखनऊ नहीं हो सकता, एनालिस्ट कंफर्म हो गया, केवल और केवल हैदराबाद होगा, एनालिस्ट और कहीं पे जा ही नहीं सकता। तो हमको कंफर्म है कि जो भी एनालिस्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। अब इसको अलग से लिख देते हैं कि हैदराबाद वाला जो भी पर्सन होगा वो एनालिस्ट होगा। तो ये दोनों लाइन हट गई, ये पूरी काट दो, आगे बढ़ो। आगे हमको अभी तो कंफर्मेशन नहीं होगा कि ये कहाँ आएगा ठीक है। बाकी वो मेरठ वाला क्या था, एक तो पूरी पूरी लाइन नहीं लिखते हैं तो दिक्कत हो, मैनेजर था ठीक है। तो बेंगलोर वाले की पॉसिबिलिटी ले, अच्छा ये हटा लो अब, हैदराबाद वाला इसका कोई मतलब नहीं है इस लाइन का ठीक है। बाकी इसके बाद हम लोग देखें तो लखनऊ आपका यहाँ नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी बन रही है बहुत ज़्यादा, नहीं लेनी पड़ेंगी और भी। अच्छा यहाँ एग्जीक्यूटिव के लिए क्या था, एक बार एग्जीक्यूटिव भी देख लें, वेयर तो बोर्ड पे ना बहुत सही से कोची। अब देखो ध्यान दो, एग्जीक्यूटिव कोची नहीं हो सकता, एग्जीक्यूटिव बीकानेर होगा, बहुत बढ़िया, बीकानेर वाला एग्जीक्यूटिव होगा, ये डन हो गया। एक एक करके मैं आपको क्लियर करती जा रही हूँ, दो हमारे डन हो चुके हैं ठीक है। चलो आगे बढ़ो, और क्या है हमारे पास में, लखनऊ वाला कंफर्म हो गया साइंटिस्ट होगा, एनालिस्ट यूज हो चुका है तो लखनऊ वाला कंफर्म है साइंटिस्ट होगा, भाई तीन कंफर्म हो गए ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे हमारे पास अब क्या क्या बचा हुआ है, एक बचा हुआ है मेरठ और बेंगलोर बस। अब मेरठ वाले को कंफर्म करते हैं कि मेरठ वाला आपका कहाँ कहाँ जा सकता है ठीक है, और क्या बचा है, बस कंडीशन इतनी है ना। चलो यार अब मुझे लग रहा है हमको पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी पी वाली, क्योंकि हमको पी पे एक बार मैनेजर रखना पड़, सॉरी मैंने मेरठ रखना पड़ेगा ठीक है, और एक बार हमको हैदराबाद रखना पड़ेगा, और कोई यार पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है तो हम यही वाली पॉसिबिलिटी लेंगे। देखो अगर ये हैदराबाद है तो आपको क्लियर है ये एनालिस्ट है ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं, अगर आपको मेरठ देखने को मिल रहा है
ठीक है, तो मेरठ वाले में ये डेफिनेटली मैनेजर हो सकता है, बट वी आर नॉट 100% कन्फर्म, ठीक है, क्योंकि मेरठ वाले में और बेंगलोर वाले में दोनों में ही मैनेजर कहीं ना कहीं आएगा, ये हमको क्लैरिफाई है। देखो अब इधर, अब आपको पता है यहाँ पे या तो आर्किटेक्ट आएगा या फिर एग्जीक्यूटिव आएगा, तो इसका मतलब कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हैदराबाद एनालिस्ट नहीं हो सकता, एनालिस्ट यहाँ पे होगा नहीं, तो यहाँ कन्फर्म है हैदराबाद एनालिस्ट यही होगा। क्लियर, आई होप क्लियर है सभी को, बाकी एनालिस्ट यहाँ से हटा दो। अब आपके पास में बचता है यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन, अगर हम देखें तो दो बचे हैं हमारे पास, एक मेरठ बचा हुआ है और दो और बचे हुए हैं, और क्या बचा, और कोई कंडीशन कोई रह जा रही है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है कोई कंडीशन मिस करी है? कोई तो कंडीशन यहाँ पे हमसे मिस हो रही है, लेट मी चेक। हाँ देखो, एक बात ध्यान दो, अगर ये आर्किटेक्ट और एग्जीक्यूटिव है तो ये साइंटिस्ट नहीं हो सकता, तो साइंटिस्ट और लखनऊ केवल और केवल एक ही होगा, ये भी डिसाइड हो गया। अब आपके पास में बीकानेर और एग्जीक्यूटिव यही बचेगा। अब आपको पता है मेरठ और बेंगलोर में से कोई एक मैनेजर होना है, आई थिंक ये हमारा बिल्कुल पॉसिबिलिटी में जाएगा कि एक तो आपके पास मैनेजर बचा हुआ है और एक हम लोग बात करें तो हमारे पास में एक आर्किटेक्ट बचा हुआ है, आर्किटेक्ट और मैनेजर, है ना। चलो पहले यही पॉसिबिलिटी सही जा रही है। अब आर्किटेक्ट और मैनेजर की कंफर्मेशन लेते हैं कहीं से, रुक जाओ, मैनेजर के बारे में बेंगलोर है और मेरठ है, अब रुक जाओ जरा यहाँ देखते हैं आर्किटेक्ट और क्या बचा है, मैनेजर। कंडीशन ही नहीं है आर्किटेक्ट और मैनेजर की, लीव इट हियर गाइस, पॉसिबिलिटी में जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को मिल जाए तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोगों का कंफर्म हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। बाकी मुझे तो इसके बाद कोई कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी आप लोगों को मिल जाए तो मुझे जरूर बताना कि क्या आप लोगों को ये मैनेजर और आर्किटेक्ट का कंफर्मेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। या सी, एक लाइन हम भूल गए, एक लाइन मिस हुई है हमसे, दैट इज पी मैनेजर या फिर एग्जीक्यूटिव। वाओ, ये एक लाइन मिस होने का मतलब ही दिक्कत है। आपको पता चल गया कि पी या तो मैनेजर है या फिर एग्जीक्यूटिव है, तो अगर पी मैनेजर एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव हो नहीं सकता, मैनेजर होगा और ये आर्किटेक्ट। एक लाइन की वजह से पूरी पजल हिल गई। चलो भाई, तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, ये हमारी तीन पजल यहाँ पे कंप्लीट हुई हैं। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड ना किया हो तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी दिस इज माई डेली शेड्यूल, आप लोग शेड्यूल देख सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आप लोग सर्च कर लो बैंकिंग डेजी, या लिंक मिल जाएगा, लिंक से डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना, PDF आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन।